जय हिंद साथियों, मैं हूं अजीत फौजी सुंगरपुरिया। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम भिवानी। तो दोस्तों, आज आपको पता है 17 दिसंबर 2021 है और हरियाणा पुलिस का फिजिकल का पहला दिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको लाइव दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत से लड़के आए हुए हैं फिजिकल के लिए और पहला दिन है, और ये फिजिकल कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म होगा, कैसा ग्राउंड है, सब आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा दोस्तों। तो आज हम आपको सभी लड़कों से भी बातचीत कराएंगे, कितने लड़के बुलाए हैं, क्या टाइमिंग दे रहे हैं, कैसा क्या है, सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं कैसे एंट्री हो रही है, कैसे क्या। तो ये देखे दोस्तों लाइव। साथियों, आप देख सकते हैं ये सेक्टर 4 का पुल है, फ्लाईओवर। यहाँ इसके सामने नीचे स्टेडियम, आगे सामने स्टेडियम की तरफ रास्ता जा रहा है, ये जो आपको दिखाया जा रहा है, और उस साइड जीरकपुर गया। और यहाँ पे पुलिस वाले भाई भी खड़े हैं। ज़्यादातर लड़कों को आज परेशानी हुई है यहाँ पर कि वो स्टेडियम के सामने जा रहे थे सारे, तो वापस आना पड़ रहा है उन्हें। कम से कम 700-800 मीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तो इधर को जाना भाई पुल के साथ साथ में। और हरियाणा सरकार ने रोडवेज बसें भी चला रखी हैं जो पंचकुला बस स्टैंड से आ रही हैं, माजरी चौक से घूम के वापिस। या यहाँ पे इसके नज़दीक पेट्रोल पंप है और गोल्फ क्लब भी है भाई यहाँ पर। ये गोल्फ क्लब आप देख सकते हो पंचकुला का यहाँ पर, और ये सेक्टर 3 का है यहाँ पर, सेक्टर 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आप पार्किंग की भी अच्छी सुविधा है। और ये सेक्टर 3 का बोर्ड लगा हुआ गोल्फ क्लब का, माजरी चौक से ऊपर से घूम के आना भाई, जिनके पास भी व्हीकल हैं वो। तो जो भी भाई कार लेके आ रहे हैं, गाड़ी लेके आ रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं, वो यहाँ पर पार्किंग की अच्छी सुविधा है। बहुत से रोड खाली पड़े हैं आप देख सकते हो, और ये नेशनल हाईवे है, इसी के ऊपर ही है जस्ट ये। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ से अंदर सीधा जाना है, और वहाँ पर चौराया है, अच्छी पार्किंग है, वहाँ पर गाड़ियाँ अपनी ऐसे खड़ी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई हैं, ये देखो, जितने भी पेरेंट्स आए थे सुबह वाली शिफ्ट में, सब ने अपनी गाड़ियाँ पार्किंग की। देख सकते हो साथियों आप, ये पूरा यहाँ पर पार्किंग की सुविधा है, हर चीज़, छोटे छोटे रोड हैं, अपनी गाड़ियों को आप खड़ा कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रोसीजर किस प्रकार से हो रहा है वो आपको बता देते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले, आप जैसे ही गेट पर, एंट्री गेट पर जाएंगे, आपका एंट्री गेट पर जाते ही एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा। उसके बाद जब आप गेट से अंदर जाएंगे, सबसे पहले आपको 88 द्वारा टोकन दिया जाएगा, टोकन नंबर। टोकन नंबर लेकर जब आगे बढ़ेंगे आप, तो आपको चेस्ट नंबर अलॉट होगा। चेस्ट नंबर आप जब ले करके आगे जाएंगे, तो सबसे पहले आपकी वीडियोग्राफी होगी, फ़ोटो वगैरह खींचे जाएंगे, बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक होने के बाद में आपके दो चिप लगेंगी दोस्तों, दोनों पैरों में लॉक द्वारा चिप कर दी जाएंगी, दो चिप लग जाएंगी, फिर आपकी बायोमेट्रिक होगी। और फिर बायोमेट्रिक होने के बाद में आप स्टार्ट पॉइंट पर चले जाएंगे, जहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, वहाँ से आपकी दौड़ शुरू होगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कोई नहीं बोलेगा दोस्तों आपको कि आप दौड़ो, दौड़ना आपने है। और आप जैसे ही जाएंगे सेंटर में भी, वहाँ पर भी आपको एक सेंसर लगा हुआ है, जो आपका टाइम नोट किया जाएगा सेंटर का भी। और आप में इसमें 3 मोड हैं, बाकी आप आगे से बता देंगे लड़कों के जब रिव्यू लेंगे। तो इसमें 3 सेंसर हैं और 3 ही आपके टर्निंग पॉइंट हैं। लगभग आपका ये रूट आपको पता ही है, जो 2.5 किलोमीटर का है, ठीक है, जिसका टाइम 12 मिनट टाइम है। और यहाँ पर ये पूरी सुविधाएं, ये बैग जमा कर, ये देख सकते हैं शिफ्ट 1 के बच्चे, ये 50 रुपये ले रहा है भाई। ये यहाँ पर एंट्री करके प्रॉपर आपको टोकन दिया जा रहा है, आपके बैग में टोकन डाला जा रहा है, ठीक है। और ये 50 रुपये ले करके एंट्री करता है, और आपको बाकायदा आपका बैग, जो आपका कीमती सामान है सभी को। और ये भाई देख सकता है हमारे साथ में, ये हिसार से हैं भाई, इस लड़के का हरियाणा पुलिस का फिजिकल है, ये देने आए थे, अपने मित्र हैं ये खास। और ये देख सकते हो आप भीड़ यहाँ पर, ये देखो नगर निगम की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं यहाँ पर, फ्रेश होने के लिए, बच्चों के पेशाब पानी करने के लिए सारी सुविधाएं हैं। और बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है भाई, जिसको भी फ्रेश होना है वो यहीं अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आने दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी सुविधाएँ यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं, खुला एरिया है बाकायदा, किसी का भी कोई भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
पुलिस भी चारों तरफ लगी हुई है यहाँ पर। ये देखो, आप देख सकते हैं पुलिस वाले भाई भी खड़े हैं, ड्यूटी दे रहे हैं अपनी बीच में, और बाकायदा ठीक है यू आकार में बना करके लाइन लंबी लगी हुई है सुबह से ही। ये फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट है वो 8 से 8:30 तक है, और यहाँ पर ये बच्चे आ रखे हैं। और ये देख सकते हैं आप ध्यान से, अभी जूम करके दिखाया जा रहा है, यहाँ पर पुलिस अफसर खड़े हैं एंट्री गेट नंबर 1। गेट नंबर 1 से एंट्री की जा रही पेट्रोल पंप के पीछे से, और इसी के नज़दीक है गेट नंबर 2। ये देख सकते हैं आप, ये है गेट नंबर 2। यहाँ से गाड़ी वगैरह जो VIP गाड़ियाँ हैं अफसर वगैरह की, वो यहाँ से एंट्री होती है अंदर गेट 2 से। ये गेट 2 है दोस्तों, और आगे भी आप ध्यान से देख सकते हो, वो बच्चे लाइन में लगते ही अंदर जाते ही आपको जो है सबसे पहले आपको टोकन दिया जा रहा है। आपके आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड चेक करने के बाद टोकन दिया जा रहा है यहाँ पर आपको, ठीक है। टोकन देने के बाद में दोस्तों आपको टोकन देने के बाद में आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर अंदर जाने के बाद में चेस्ट नंबर दिया जाएगा। आप ऐसे लाइनों से गुजरते हुए कैंप तक जाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्राउंड देख सकते हो भाई, ये यहाँ से ऐसे शुरू होएगा। ये यहाँ पर 3 सेंसर लगे हुए हैं आपको, स्टार्ट पॉइंट, फिनिश पॉइंट और एक सेंटर में, और ये तकरीबन 3 टर्निंग पॉइंट हैं इसके अंदर, इस ग्राउंड में, ठीक है। स्टार्ट और फिनिश साथ साथ में है, जिस लाइन से रोड के एक साइड में स्टार्ट, एक साइड में फिनिश, आप देख सकते हैं ये ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ पर फिनिश करना है। और ये है गेट नंबर, एग्जिट गेट है यहाँ पर वो, और सामने से वो देखो यहाँ से जो बच्चे दौड़ मार के बाहर निकले हैं ये, और ये मेन हाईवे पर ही एग्जिट गेट, और वो सामने आपको जूम करके दिखाया जाएगा अभी, जो लड़के दौड़ मार रहे हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट है भाई, ये फर्स्ट शिफ्ट के लड़के जो दौड़ लगा रहे हैं वो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से मुड़ के जा रहे हो, ठीक है। ये देखो, आप ध्यान से देखो इस वीडियो को, और देखो लड़के दौड़ रहे हैं। यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा भाई आपको दौड़ने के लिए, आपको खुद ही जोर लगाना है खुद ही। और ये लड़का बाहर निकला है अभी फिजिकल दे करके, आप देख सकते हैं, ये है एग्जिट गेट, यहाँ पर एग्जिट गेट है ये, बस ऐसे ये लड़के निकल रहे हैं बाहर एग्जिट गेट से, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये है यहाँ पर लड़कों दौड़ मार रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं, जो लड़के अभी दौड़ मार कर बाहर निकले हैं उनसे रिव्यू लेते हैं दोस्तों। अभी सबसे पहले कितना टाइम दिया, क्या था, कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ें आपको बताते हैं अभी इस वीडियो में। जो भी लड़के पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ में है भाई, मेन हाईवे पर एग्जिट गेट, यहाँ पर आप देख सकते हो। क्या हाल है भाई, कहाँ से हो दोस्तों? कुरुक्षेत्र से। फिजिकल देने है क्या? हाँ जी, भाई का था। हो गया? वेरी गुड भाई, कैसा था ग्राउंड? सही था, अच्छा था जी। अच्छा, कितने सेंसर लगे हुए थे? सेंसर 3 थे। 3 सेंसर थे, एक स्टार्ट था, एक मीडियम था, एक एंड था। और टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट 3 थे। 3 टर्निंग पॉइंट थे, मतलब कुल मिला के अच्छा था। हाँ जी, कुल अच्छा था जी। हो जाएगा आपका? हाँ हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक भाई, धन्यवाद। ये मेरे भाई हरियाणा पुलिस का फिजिकल देने आए हुए हैं यहाँ पर। ये आउट गेट है, यहाँ से बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है ग्रुप में। ये भाई फिजिकल दे के आ रहे हैं भाई, ये फिजिकल दे के आए। हाँ भाई, कौन सा काम है? और भाई ये तो मेरा गांगुली है, तो शाम का भाई गांडपुरा से। क्या नाम दोस्त आपका? मोहन नाम है, गांडपुरा से। और ये फिजिकल दे के आया भाई, कह रहा है कि 9:30 में मारी है। बहुत बढ़िया भाई। यो भाई, भाई मैं भद्रगढ़ से। अरे वाह, दिल्ली के पास से है भाई ये, और फिजिकल दे के आया अभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। बेस्ट ऑफ लक दोस्त, आप लगो। धन्यवाद। हाँ भैया, आपके एडमिट कार्ड में कितना टाइमिंग दे रखा है? 10 से 10:30 का एंट्री का। तो ये सेकंड बैच वाले बच्चे हैं भाई दोस्तों, ये देख सकते हो। प्रैक्टिस करते हो आप? अच्छा, चलो गुड लक, आप नौकरी लगे। ये भाई लंबी रेस का घोड़ा है, गुड़गांव के हैं, पटौदी के। ये भी ये सेकंड गेट देख सकते हो आप यहाँ से, पुलिस वाले भाई खड़े हैं ड्यूटी पर। ये भाई अपने गुआंडी मिल गए हैं, भिवानी जिला से हैं। कौन सा गांव भाई साहब आपका? बगनवाला। बगनवाला गांव से हैं ये,
मेरा कांकडोली से भाई हरियाणा पुलिस में हो रखा है इनका और इनका एसएससी जीडी में हो रखा सिलेक्शन। ये भाई अपने दोनों गांगुली हैं और यहाँ पे मिल के बहुत खुशी हुई भाई हूँ तो मिल के न। ये भाई यूपी से हैं और हरियाणा पुलिस का फिजिकल दे के आए भाई ये। और हाँ भाई साहब कैसा रहा फिजिकल आपका? बहुत सही रहा, बहुत सही। कितने टर्निंग पॉइंट थे? तीन टर्निंग पॉइंट थे। तीन टर्निंग पॉइंट, 900 मीटर का था, एक उसके बाद 2100 पर था, लास्ट पे था। तो भाई तीन टर्निंग पॉइंट थे और भाई सेंसर कितनी जगह लगे हुए थे? स्टार्टिंग में, फिर 900 मीटर पर था, फिर लास्ट में। भाई लास्ट में। चल भाई ये मेरे भाई बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, आपका सिलेक्शन हो। और ये भाई यूपी से आए हुए हैं पेपर दिलाने इनके साथ में। ये देख सकते हो आप एग्जिट गेट से अभी बाहर निकले हैं और ये मेन रोड पे बना रखा है एग्जिट गेट। और ये भाई अपना आप कहाँ से था भाई? दनोदा। ओ भाई मशहूर काम है भाई ये। चलो ठीक है मेरे भाई, कर ले कॉल कर ले भाई। और इस प्रकार से देख सकते हो आप ये फिजिकल देने आए हैं। कौन सी शिफ्ट में है मेरे भाई? 12 बजे। चलो ठीक है भाई, ये भाई फिजिकल देने आया है। वो आगे ताऊ देवलाल स्टेडियम है वहाँ पे बच्चे पहुँच रहे हैं मैक्सिमम और उनको असुविधा ज़रूर हो रही है। फिर वापस वहाँ से इसी तरफ आ रहे हैं क्योंकि उन्हें जाना तो उधर है पीछे। तो भाई इस प्रकार से यहाँ पर ये बच्चे पहुँच रहे हैं फिजिकल के। फिजिकल देने आए भाई? हाँ जी। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। धन्यवाद। भाई फिजिकल है क्या तुम्हारा? कौन सी शिफ्ट में? 2 बजे। 12 बजे। अच्छा आगे कौन है भाई? समझता हाँ सीधा आगे भाई। राम राम भाई। फिजिकल है क्या दोस्तों? कौन से जिले से भाई? भिवानी से भाई। भिवानी से। वेरी गुड। ये तो मेरे गांगुली हैं भाई सारे भिवानी से। मैं भिवानी से हूँ दोस्तों। ठीक है, ये भाई भिवानी से आए हैं और फिजिकल देने के लिए पहुँचे हैं यहाँ पर हरियाणा पुलिस का। कौन सी शिफ्ट में दोस्तों? 2 बजे वाली में। हाँ तो भाई एक तो शिफ्ट आपको सुबह दिखा दी थी 8 बजे से 8:30 तक थी, दूसरी 10 से 10:30 तक थी और अभी ये तीसरी शिफ्ट के हैं। ये भाई 2 बजे वाली शिफ्ट के हैं ये बच्चे, आप देख सकते हो भिवानी जिले से आए। ये बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। जी आए मित्र पानीपत से? समालखा से। इस भाई का फिजिकल है भाई हरियाणा पुलिस का, ये समालखा से आया है पानीपत से। हाँ कौन सी शिफ्ट में दोस्त? बयास पहले दिन है 17 तारीख को 12 बजे एंट्री हमारी। 12 बजे एंट्री। नाम क्या है दोस्तों आपका? आशीष गुज्जर। आशीष गुज्जर है भाई ये। गुज्जर बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों। हाँ बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू। अभी बात करवाते हैं भाई, ये भाई फिजिकल देने आए। कौन से जिला से है भाई? महेंद्रगढ़ से। बहुत बढ़िया भाई, आप भी महेंद्रगढ़ से? दोनों भाइयों का फिजिकल है? आपका फिजिकल है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। हरियाणा पुलिस का है। चलो आपका सिलेक्शन हो, भगवान से यही कामना है भाई। ये महेंद्रगढ़ से मेरे भाई फिजिकल देने आए ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। ये है भाई ताऊ देवीलाल स्टेडियम का अंदर का नज़ारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, सेक्टर 3 में है, साथ में लगता हुआ। ठीक है, आप ये देखो अंदर पूरा काम चल रहा है अभी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। ये पूरा बहुत ही बढ़िया स्टेडियम है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, पंचकुला सेक्टर 3 में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।